एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक की मौत में अब नया खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सतीश कौशिक की मौत संदिग्ध परिस्थिति में हुई है। सूत्रों के मुताबिक जब दिल्ली पुलिस की टीम ने फार्म हाउस में जाकर जांच की तो पुलिस को कुछ दवाइयां मिली। पुलिस को अब तक डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि तस्वीर आगे और साफ हो पाएगी। पुलिस ने होली की पार्टी में आए मेहमानों की लिस्ट भी तैयार कर ली है जो उस वक्त फार्म हाउस में मौजूद थे। पुलिस उस उद्योगपति से भी पूछताछ करना चाहती है जो सतीश कौशिक की मौत के बाद से फरार है। प्रमोद शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, सतीश कौशिक की मौत से जुड़ी और क्या कुछ जानकारी, डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, दवाइयों को लेकर के कुछ जानकारी मिल पाई है? ये किसकी दवाइयां थी, या सतीश कौशिक ही इन दवाइयों का सेवन करते थे? बिल्कुल, अभी तक पूरी तरीके से इस मामला जो है हार्ट अटैक की वजह से हुई मौत का लग रहा था, लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने उस फार्म हाउस की तलाशी ली तो कुछ ऐसी दवाइयां मिली जिसको लेकर शक गहराया कि इन दवाइयों का कहीं ताल्लुकात जो है सतीश कौशिक की मौत से तो नहीं है, क्योंकि हार्ट अटैक हुआ है, क्या इन दवाइयों के सेवन की वजह से हार्ट अटैक आया, उनके बॉडी में किसी तरीके का रिएक्शन हुआ, इस बात को जानने के लिए दिल्ली पुलिस को इंतज़ार है विसरा रिपोर्ट का और डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। विसरा रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि किसी तरीके का केमिकल सतीश कौशिक के पेट में था या नहीं था। और इस मामले में जो है बाकायदा जितने भी गेस्ट आए थे उनकी लिस्ट तैयार की है, और एक जिसका फार्म हाउस है जो उद्योगपति, वो सतीश कौशिक की मौत के बाद से ही फरार है, क्योंकि उसके ऊपर किसी एक दूसरे मामले इंतजार करना होगा। विस्तार रिपोर्ट क्या कहती है और डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, फिलहाल इसे संदिग्ध मौत मान करके पुलिस चल रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रमोद। Zee News।